हम अपने विश्वास की कमी के कारण ठोकर खा लेते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो ठोकरें हमारे जीवन में आती है। लेकिन आज हम पांचवें पद पर अपना ध्यान लगाएंगे, जहां पर प्रेरित कहते हैं, चेले कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। और ये बातें हम सीखते हैं जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 24 पद में जब हम पढ़ें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में विश्वास की कमी होने के कारण हम लोगों के जीवनों को देखकर जो विश्वास में कमजोर हैं, उनके द्वारा हम अपने ही विश्वास में गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 24 पद में उस बात को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने तीनों चेलों यानी कि पत्रस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ लेकर गए और वहां पे फरमाया है कि 14 पद से 24 पद तक कि जब वो चेलों के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि उन तीनों चेलों की चारों ओर भीड़ जमी हुई है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया हे गुरु मैं अपने पुत्र को जिसमें गुंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उस समय उन तीनों अपने चेलों के साथ नहीं थे और उन तीनों चेलों से वो प्रार्थना करवाने के लिए पिता अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कराने के लिए जिनमें जिसमें गुंगी आत्मा समाई हुई थी उसको उसमें से निकालने के लिए उन चेलों के पास प्रार्थना कराने के लिए लाए थे। लेकिन यहाँ पर वाद विवाद इसलिए हो रहा है, हम जानते हैं कि वो शास्त्री फरीसी सदैव इन बात में लगे रहते थे यीशु मसीह के पीछे उसके चेलों के पीछे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और वहां पर जब उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो बेटा उस गूंगी आत्मा से निजात नहीं मिल पा रही थी, छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, तो फरीसी उससे क्या कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह वापस लौटते हैं वो देखते हैं कि उसके चेलों को चारों ओर भीड़ ने घेरा हुआ है, तब प्रभु यीशु मसीह वहां से पूछते हैं कि तुम इनसे क्या वाद विवाद कर रहे हो। तो भीड़ में से एक पिता क्या कहता है कि हे गुरु मैं अपने पुत्र को जिसे गूंगी आत्मा समाई है उसे तेरे पास लाया था। किस लिए लाया था, प्रार्थना करवाने के लिए लाया था। जहां कहीं उसे पकड़ती उसे पटक देती और मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता सूखता जाता और मैंने चेलों से कहा कि उसे निकाल दे परंतु वो ना निकाल सके। हम यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पर एक पिता चेलों के अल्प विश्वास के कारण वो ठोकर खा रहा है, अल्प विश्वास होने के कारण ठोकर खा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह से क्या वो क्या वो शिकायत कर रहा है कि मैंने चेलों से कहा कि वो प्रार्थना करे लेकिन वो नहीं निकाल पा रहे हैं।
ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तब वे उसे उसके पास ले आए। अब वो एक पिता अपने पुत्र को किसके पास लेकर आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास। जब उसने उसे देखा तो उसने उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा, मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर हम इस बातचीत में देख सकते हैं कि एक पिता अपने बेटे की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह की अनुपस्थिति में चेलों से प्रार्थना कराने के लिए वहां पर आता है, लेकिन चेलों की प्रार्थनाएं ना सुनी जाने के कारण, उनके अविश्वास के कारण, उसका बेटा अभी भी उस दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। यहाँ पर वो पिता इन चेलों की वजह से अल्पविश्वास के कारण ठोकर खाता, और इसी कारण वो प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर उपकार कर। यदि तू कुछ कर सके, चेलों के अल्पविश्वास के कारण उनका विश्वास प्रभु पर वैसे भी पक्का नहीं था। वो क्या कह रहा है, यदि तू कुछ कर सके, प्रभु की सामर्थ्य को उन्होंने, उस पिता ने कमजोर सोचा। किस वजह से? चेलों के अल्प विश्वास के कारण। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये क्या बात है कि तुमने ऐसी बात जो शब्द कहे कि यदि तू कर सकता है, क्योंकि आगे प्रभु क्या कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तब बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज मैं और आप अपने विश्वास में स्ट्रांग हैं क्या? आज हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है, प्रभु यीशु मसीह से जो हमने सीखा वचन के माध्यम से, क्या वो विश्वास में आज हम स्ट्रांग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिस्थितियां हमें, विपरीत हालात हमें हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं? हमारी प्रार्थना जब हम एक विषय को लेकर पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जब अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हैं, जब उसका उत्तर नहीं मिल पाता, एक बार, दो बार, चार बार, महीने भर, साल भर उस प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो क्या हमारा विश्वास कमजोर तो नहीं हो रहा? लेकिन हो जाता है। ये हमारा स्वभाव है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंस्टेंट चंगाई चाहिए। हम ये नहीं जान पाते कि हम प्रभु पर क्या बात कहते कि प्रभु हमारी प्रार्थना को ही नहीं सुनता, प्रभु मैं प्रार्थना का उत्तर ही नहीं देता, प्रभु मैं तो कब से तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं तो दिन रात वचन पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत सी सेवाएं करते, लेकिन अब भी मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। प्रभु ऐसा क्यों, तू ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? लेकिन क्या हमने ये पाया, क्या हमारी प्रार्थना विश्वास से भरी रहती है? क्योंकि हम अक्सर अपनी अगर प्रार्थनाओं को देखें, प्रार्थना तो हम कर लेते हैं, प्रार्थना के बाद आमीन तो बोल लेते हैं, जिसके उसके बाद भी डिस्कशन जारी रहता है कि कब होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, और हम इंतजार करते हैं कि कब जल्दी से वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं। लेकिन हम इस विश्वास की परिभाषा को हमें इब्रानियों की पत्री में बड़े अच्छी तरह से सीखते हैं कि विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय है, जो हमने भविष्य में चीजों को देख रहे हैं उसे होते हुए हम उसको रिसीव जब हम करते हैं, जो भविष्य में हो रही है, जो इस समय हम रिसीव करते हैं, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिन चीजों को हमने होते हुए देखना चाहते हैं वो प्रेजेंट में हम रिसीव कर लेते हैं, वही विश्वास है। उसके बाद कोई नेगेटिव बात नहीं, अपनी जीभ से कोई ऐसा अंगीकार नहीं जो प्रभु पर विश्वास में हम अल्प पाए जाए, अल्प विश्वास ही पाए जाए। हम ये जान लें कि जब हमारे विश्वास में कमजोरी है, हम
अपनी कमी नहीं, हम प्रभु पर ब्लेम करते हैं, हम प्रभु को झूठा ठहराते हैं, हमें प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं। तभी तो ये पिता इस बात को सुनकर कहता है कि हे प्रभु, गिड़गिड़ाकर कहता है कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या आज हम प्रभु से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हम बहुत बार अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन आज भी हमारा विश्वास बहुत कमजोर है, हम विश्वास में बहुत निर्बल हैं। ए प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा। क्या हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं? पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, मैं विश्वास में बड़ी कमजोर हूँ, मैं विश्वास में बहुत कमजोर हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना तो कर लेता हूँ, मैं तो प्रभु से प्रार्थना तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों से सॉल्यूशन मांगती हूँ, मैं फिर भी लोगों से फोन कर करके सॉल्यूशन को ढूंढता हूँ, मैं फिर भी अपने उस टॉपिक का इतना डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग से वो विषय हटता ही नहीं। जब हम आमीन कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो कोई डिस्कशन नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई इफ बट नहीं, बल्कि सिर्फ धन्यवाद। क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जब ये बात को आ जाती है, यही विश्वास है मेरे प्रियो, तो हमारा हमारा इसके बाद क्या रिएक्शन होना चाहिए? धन्यवादी का। यहाँ पर यही बात आज इस वचन के द्वारा लूका 17:5 के अनुसार कि प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा क्योंकि चेलों ने पाया कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो पुत्र गूंगी आत्मा उस दुष्ट आत्मा से चंगाई नहीं पा पा रहा है। इसके कारण उस पिता का भी विश्वास कमजोर हो गया। उन्होंने ये देखा अपने उस कमजोरी को, उन्होंने देखा और उस चीज को उसने स्वीकार किया। हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना, अरे हमें तो बड़ा विश्वास, हम तो प्रभु से विश्वास करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं वैसा, बड़ा ही हम बड़ी बातों में अपने विश्वास का नाप तोल बताते हैं कि मेरा विश्वास तुझसे ज्यादा है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम इस बात को पाते हैं कि सच में हमारा विश्वास क्या इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है? आज हमें बस यही सीखने की जरूरत है, यदि आज हम अपने विश्वास में कमजोर है, विश्वास की यदि जिंदगी आप बिता रहे मेरे प्रियो, तो कोई चीज, कोई ऐसी विरोधी बात, कोई ऐसे विरोधी विचार आपको किसी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको चिंतित नहीं कर सकती, आपको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। क्योंकि हम अपनी ही चिंताओं के कारण, अपने ही विश्वास की कमजोरी के कारण, अपने ही अल्पविश्वास के कारण अपने आप को निराशा में ले जाते हैं, जबकि आशा का दाता परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिस पर हमारी आशा है वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। यदि आज हम अपने विश्वास में कमजोर हैं, पवित्र आत्मा आपके पास है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपके पास मेरे पास है, वो सदैव हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। आप मांगे तो सही, आप इस बात का स्वीकार तो करें, जैसे इन प्रेरितों ने, इन चेलों ने कहा कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, अपने अविश्वास को पाया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री 12:2 के दूसरे पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। विश्वास का करता और सिद्ध करने वाले यीशु, प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने जीवन के द्वारा, अपने क्रूसिफिकेशन के द्वारा सिद्ध करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया, अपने पिता के, जो पिता के द्वारा उसे भेजा गया हमारे लिए, मेरे बाप के लिए, ताकि वो हमें हमारे गुनाहों से हमें मुक्त कर सके, उसने हमें और पापों से छुड़ाने के लिए उसने उस क्रूसिफिकेशन के द्वारा उसे प्रूफ करके दिखाया। विश्वास के करता और सिद्ध वक्त करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, वही हमारा रोल मॉडल है मेरे प्रियो, कोई और रोल मॉडल नहीं, कोई ऐसे, कोई हीरो हीरोइंस नहीं, कोई नेता नहीं, कोई विजेता नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं, सिर्फ एक ही है जिसने करके दिखाया,
उसकी ओर ताकते रहे, वचन क्या था, उसकी ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इस क्रूसिफिकेशन के बाद एक आनंद है जो उसे कोई छीन नहीं सकता, जो उसके आगे धरा था। लज्जा की कुछ चिंता ना करके, कोई उसे लज्जा नहीं आई कि मेरे परमेश्वर का पुत्र हूं तो मैं, मेरे मुझ पर कोई ब्लेम करेंगे, अरे तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को, अपने आप हमें बचा और अपने आप को भी बचा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने वो आनंद सामने रखा था, वो जानता था कि जिस कार्य के लिए वो आया है, परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसे भेजा है, उसे वो क्रूसिफिकेशन के द्वारा ही प्रूव कर सकता है और कोई रास्ता नहीं है। और इस बात की उसको कोई शर्म नहीं है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऊपर क्या लिखा जाएगा, यहूदियों का राजा, परमेश्वर का पुत्र, तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है तो उतर के दिखा। कोई लज्जा की बात, इसकी कोई चिंता नहीं कि उसे मालूम था कि उसके साथ क्या क्या होने जा रहा है। तभी तो पिता से क्या प्रार्थना करता है कि हे पिता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को एक काम दिया था कि इस पृथ्वी पर जाकर किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के बारे में सेवा देनी है, इस प्रकार से उसे मेरे बाप के लिए उस बलिदान को सहन करना है, वो जानता था। कितनी अद्भुत बात है ना, हमें पता चले जब कई ऐसी बीमारियां हो जाती है ना, सीएमएम देखते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर एकदम घोषित कर देता है कि अब तुम्हारे पास इतने दिन रह गए, इतने समय रह गया, अब तुम मर जाओगे। कैसा लगता है, कैसा हमें अंदर लगता है ना, अरे अब तो इतने दिन रह गए। उस उन लोगों से पूछे जिनके जिनके जीवन के लिए वो डॉक्टर तय कर देता है, कैसा जीवन वो व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे वो दुख सहने पड़ेंगे, शरीर में होकर आया था, उसे दुख मिला। हम ये ना था कि परमेश्वर का पुत्र था, उसने परमेश्वर के पुत्र के रूप में से कोई दुख नहीं हुआ, उसने उस दुख को सहा, उस दुख को सहा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि क्रूस पर दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ को, कैसी दौड़, विश्वास रूपी दौड़ में हमें दौड़ने की जरूरत है। ये वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक विश्वास करेगा, वही मेरे साथ उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें सबसे पहले अपने विश्वास को देखने की जरूरत है कि हमारा विश्वास है ही क्या, क्या सच में विश्वास करते हैं हम, क्या हम दूसरों को ये प्रूफ करके दिखाते हैं हम विश्वास करते हैं, क्या हमारे मुख से हमेशा पॉजिटिव बातें निकलती हैं, ये सिर्फ हमारी जबान सिर्फ दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की निंदा में, दूसरों को अपमान करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में सिर्फ पूरा समय हम अपने जीवन में लगाते हैं, पूरा समय हम वेस्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो बातें करो, वो हेल्दी गॉसिप करो जिससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो, जिससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो। अभी हम इससे पहले हम दोनों पति पत्नी इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे कानों को जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। कानों को क्या अच्छा लगता है, जो शरीर को पता है क्या अच्छा लगता है, सिर्फ पाप अच्छा लगता है। और पाप क्या है, बुराई सुनना, बुराई करना, व्यभिचार, हर प्रकार के वो गंदे, जैसे गलातियों 5 में लिखा है, वो लुचपन, विधर्म, डा, ये सारी बातें किसे पसंद है, शरीर को पसंद है। लेकिन आत्मा की बातें जो प्रभु की ओर ले जाती हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। आत्मा को प्रभु की बातें पसंद है, शरीर को एक गंदे काम पसंद है। और इसी वजह से हम अपने शरीर को सिर्फ विचार के कामों में लगाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है, संसारिक कामों को करना परमेश्वर से बैर करना। तो कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे मेरे प्रियो, अगर हम सच में विश्वास में स्ट्रांग हैं,
तो इसके लिए हमें उदाहरण बनने की जरूरत है, दूसरों के एग्जाम्पल बनने की जरूरत है। और इस बात के लिए दूसरा तस्लोनियों के पहले अध्याय के तीसरे पद में लिखा है, हे भाइयों तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। सिर्फ विश्वास करने वालों की बात कही है मेरे प्रियो। आज हमें हमारे पास हम अन्य विश्वास के भाई बहनों के बीच में रहकर सेवा कार्य कर रहे हैं, वहां पर हमारा क्या उदाहरण है, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे उठने बैठने, हमारे बोल चाल, हमारे शब्द, हमारी भाषा क्या प्रभु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े गर्व से तो कहते हैं हम मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम उस स्वर्ग के पिता के जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी संतान है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने उस पिता को जो स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए तो वचन कहता है, फिलिपियों में कहता है कि हे प्रभु अपने स्वभाव में मुझे लगा जैसे तेरा स्वभाव है मेरा स्वभाव बनने पाए। आज मैं छोटा सा उदाहरण बता दूं, ये मेरी कोई बढ़ाई नहीं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे संभाल कर रखता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एक साथ की हमारी टीचर, मैं ऐसे खड़ी थी और पीछे से वो आई थी, मुझे नहीं मालूम था वो कैसे आएंगी और वो बड़ी हड़बड़ी में आई और मेरे पैर से ही टकरा कर वो बड़ी जोर से गिर गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो गया, हमने उठाया, लेकिन उनके चेहरे के भाव को देखकर मुझे हंसी आ रही है, उस समय भी हंसी आ रही थी, चेहरे के भाव को देखकर उनका गुस्सा मेरे ऊपर था कि मुझे इन्होंने गिराया है। और मैंने उनको समझाया, लोगों ने भी और भी टीचर्स ने समझाया, चलिए हो गया उसके बाद। फिर चलने की बारी जब आई, लेकिन उनके मन में अभी भी मेरे लिए बड़ा क्रोध था, उन्होंने अपनी गलती को नहीं देखा, मेरे ऊपर उन्होंने ये दोष लगाया कि इन्होंने मुझे गिराया। और पता नहीं क्या शब्द, ऐसे गलत शब्द बोला जो किसी दूसरी टीचर ने सुना और उन्होंने समझाया कि अरे अभी तो सुबह इतना सुंदर वचन सुना हमने कि बुराई के बदले बुराई मत करो और इसका न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। और इसको सुनकर वो थोड़ा उनको ये एहसास हुआ कि मैंने गलत शब्द निकाला है, तो मुझसे वो कहने लगे अरे आप बुरा मत मानना, मैंने ऐसे ऐसे कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, परमेश्वर का वचन मुझे मालूम है, मैंने अंदर से बात करा कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वचन कहता है श्राप नहीं आशीष दो, मेरे लिए आज मैं अपने मुख से सिर्फ आपके लिए आशीष को मांगती हूँ और प्रभु आपको तुरंत हील करेगा और ये जो मन में आपके मेरे प्रति जो ये दोष आ रहा है प्रभु आपके इस दोष को भी प्रेम में तब्दील करे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा पिता परमेश्वर वो हमारे हृदयों को हमारे गुरुदों को जांचने वाले पिता है। हमें इसी तरह विश्वास में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है। हो सकता है मैं अपने विश्वास की कमजोरी के कारण, हो सकता है मैं प्रवोक हो जाती, अपने मुख से कुछ ऐसे गलत शब्द बोल देती, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद दिया, सिर्फ प्रभु को मैंने याद किया कि प्रभु तेरा स्वभाव कैसा था, क्योंकि मैं हमेशा इसी बात को बोलती हूँ जैसे फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, एक प्रभु यीशु मसीह जैसा तेरा स्वभाव रहा मेरा स्वभाव बनने पाए। क्योंकि आज भी हमारे स्वभाव में बहुत कमियां है मेरे प्रियो, हम अच्छा दिखना तो चाहते हैं, हम अच्छा अपने अपीयरेंस देना चाहते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं अपने स्वभाव से भी हम अच्छा दिखना चाहते हैं जो हम है नहीं। जो ऐसे स्वभाव में हमारे 2 रूप है, अच्छा दिखना चाहते पर है नहीं। अगर हम सच में कहते हैं ना कि हम अच्छे हैं, तो हमारा स्वभाव हमारे घर के मेंबर्स के साथ कैसा है, यहीं से शुरुआत है, यहीं से शुरुआत है। और जिस प्रकार से स्वभाव हमारा परिवार में रहेगा, वो स्वभाव ऑटोमेटिकली हम जब समाज में निकलेंगे, अपने लोगों के बीच में निकलेंगे, वो स्वभाव वैसा ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जैसे कि प्रेरित कह रहे कि हे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, उस पिता की तरह हम प्रार्थना करें, हे पिता मेरे अविश्वास का उपाय कर। इस बात को हमें देखने की जरूरत है कि हमारा विश्वास कहाँ है। उन चेलों की तरह अपने विश्वास में यदि हम कमजोर हैं, अपने विश्वास को बढ़ाएं
और विश्वास के लिए। और वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम के विश्वास को हम देख सकते हैं, मूसा के विश्वास को देख सकते हैं, किस तरह से प्रभु पर विश्वास करके प्रभु की आज्ञाकारिता में उन्होंने सब कामों को किया। और आप जानते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं, इन करेक्टर्स को हमें याद करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए प्रभु ने हमें लिख कर दिया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, ताकि इस सब के करेक्टर्स को पढ़कर हम वैसे बनने पाए। आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, मेरे अविश्वास को उपाय कर, जो मैं बहुत जल्दी अपने विश्वास में गिर जाती हूँ। अभी तो मैं बोलती हूँ कि मैं विश्वास में हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं तुझ पर ब्लेम करने लगती हूँ। मैं तेरे ऊपर जो विश्वास करती हूँ, मैं उसमें अपने आप को अधूरा पाता हूँ या अधूरी पाती हूँ। अपने विश्वास को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और प्रभु का कलाम हमारे साथ है, प्रभु का वचन हमारे साथ है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अपने अपने विश्वास को मजबूत करें मेरे प्रियो, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में प्रभु ने ये सारे वचन जो लिखे, इसी पर तो विश्वास करेंगे हम लोग, तब तो जाकर हम अंत तक धीरज धर पाएंगे। आज सोने से पहले और रोज अपनी प्रार्थना में इस बात को कहेंगे, प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमें किसी और की जरूरत नहीं, सिर्फ तेरी जरूरत है। तू मेरा असीमित परमेश्वर है, तेरी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और सामर्थ हम सिर्फ कैसे पा सकते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा पा सकते हैं। और उसे पाने के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हमें विश्वास में रहने की जरूरत है, हर बात में हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है खुदावंद आज के सुंदर कलाम के लिए, कि प्रभु जी आपने उन तीनों चेलों पतरस, याकूब, यूहन्ना, जिसके द्वारा, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो बेटा चंगा नहीं हो पाया, दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाई, जिसके कारण उस बेटे का पिता वह अविश्वासित में चला गया, और जिसके कारण उस पिता ने प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहा यदि हो सके, लेकिन खुदावंद हम जानते हैं प्रभु जी आप वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाले पिता हैं। आप ही आदि व अंत हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं, आप प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले खुदावंद, आप का अनुग्रह सदैव हम पर बना है। हम रोज बर रोज खुदावंद राजा हर पल खुदावंद अपने जीवन से गलतियां करते हैं, वो पाप कर बैठते हैं, लेकिन खुदावंद आप फिर भी हमारे हाथ को थामने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, हमारा विश्वास जो प्रभु जी किसी कारण खुदावंद कमजोर पड़ जाता है पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं हमारे विश्वास को आप बढ़ाए पिता, हमारे अविश्वास का उपाय करे खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हमें खुदावंद अपने विश्वास में बढ़ाइए पिता। हमारी प्रार्थना है पिता कि आपके वचन को जो जो हम पढ़ते हैं खुदावंद, आपका वचन जो प्रभु जी आप स्वयं है, वो वचन खुदावंद यीशु राजा हम में बसने पाए पिता। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते, वही सहायता करें अपने सारे अपने प्रिय भाई बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करती पिता इस समय जो प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है, और जो अपने अपने विश्वास का आंकलन कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं खुदावंद, हमारे मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर आप है, आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है, हमारे शारीरिक कामों पर नहीं कि हम लोगों के सामने क्या काम करते हैं, हम तेरे नाम से क्या क्या काम करते हैं, तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं खुदावंद, सिर्फ आप हमारे मन को जांच रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना व्यक्ति करते खुदावंद के प्रभु जी हमारे तमाम भाई बहनों के विश्वास को खुदावंद आप बढ़ाए पिता। प्रार्थना व्यक्ति करते पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वास में मजबूत रह सके, आपके उन वचनों को थाम सके, और खुदावंद जैसे कि वचन में आप कहते हैं अपने विश्वास की रखवाली कर। प्रभु जी आपसे सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा में सहायता करना खुदावंद, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय उपस्थित हैं और जो ऑफलाइन सुनेंगे पिता, हरेक के हृदय पर खुदावंद ईश्वर राजा आपका वचन अंकित होने पाए, छपने पाए पिता, ताकि इस वचन को पिता परमेश्वर वो पकड़े रहे,
अपने विश्वास को बढ़ा सके, आपके निकटता में आ सके, आपसे प्रार्थना विनती कर सके, अपने अविश्वास को आपके सामने बता सके कि प्रभु इस प्रकार से हम अपने विश्वास में गिर जाते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करें। प्रभु जी आज की रात्रि में खुदा हम सबको संभालेंगे पिता, प्यारी बेटी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाईगा, ताकि एक बार फिर से खुदावन आपके नाम की हम महिमा कर सके। और विशेष तौर से मैं प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम बीमारों के लिए, विशेष तौर से सिस्टर संध्या के लिए, जो खुदावन ईश्वर अपने प्रार्थना को खुदावन आपके सामने रखती है पिता। अपनी बेटी को प्रभु चंगाई देना, विश्वास में दृढ़ करना, ताकि खुदावन आपका वायदा वचन में कहते हैं विश्वास से की गई प्रार्थनाएं, विश्वास से सब कुछ संभव है। प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर राजा सारे बीमार खुदावन ईश्वर राजा आपके अनुग्रह से खुदावन चंगे होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावन ईश्वर राजा आपसे दूर हो चुके हैं, पिता परमेश्वर के मन की कठोरता को प्रभु जी आप दूर करें, उनके अंदर से प्रभु जी आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि खुदावन आपके प्रेम को समझ सके, प्रेम को जान सके, प्रेम का अनुभव कर सके, वही जान सके कि जो अब तक जो जीवित है खुदावन सिर्फ आपके अनुग्रह से पिता। प्रार्थना विनती करते हुए फिर से हम सभी को खुदावन अपने विश्वास में बढ़ाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल की सूचना इस प्रकार से है, कल थर्सडे है, कल शाम 6 से 7 बजे सिस्टर उषा मसीह जो मथुरा शहर से है परमेश्वर कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा से ही है जो हर थर्सडे 8 से 9 बजे अपने प्रभु के कलाम को लेकर आती है। इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी हमारे परिवार को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि ये डेली डिवोशन सदैव जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं हम इसी तरह से परमेश्वर के वचन में जुड़े रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।